दान में तृप्ति नहीं है, केवल एक ही दान में तृप्ति है, वो है अन्नदान। अन्न खाने से ही तृप्ति मिलती है और अन्न खाने से ही ये शरीर बनता है, ये शरीर चलता है। इस वजह से भगवान श्री चक्रधर महाराज ने कहा कि अन्नदान जो है वो उत्तम है। अब तीन चार प्रकार के भाव आपको बतलाने हैं जो अक्षर हैं, जिनका नाश नहीं होता। भगवान को हमारे को भजनाधिकार घड़वाना है, अगर अगर हम चाहते हैं कि परमात्मा हमारे सामने वो ममतामयी मां बन करके आवे, जिस ममतामयी मां के कारण बच्चा जो है वो पोषित होता है, तो वो पहला नंबर है। सबसे पहले जो भाव है वो दीन भाव है। जो दीन हो करके, जो रंक हो करके भगवान के सामने वस्तु सन्मुख रखता है और प्रभु को कहता है कि प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूं, लेकिन फिर भी आपने कृपा करी कि मेरे को ये योग लेकर के आए आप, महाराज मेरी इस वस्तु को स्वीकार कीजिए। ये है दीन भाव। जो दीन भाव है भगवान उसे स्वीकार करते हैं। उसका उदाहरण कैसे कैसे स्वीकार करते हैं वो उदाहरण देता हूं आपको। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के बारे में बताता हूं, क्योंकि छठी अभी हुई नहीं है। जब तक छठी चलेगी तब तक जन्माष्टमी चलेगी। वैसे तो दो महीना तक नंद बाबा ने मनाई, नंदोत्सव जो है वो दो महीना तक चलता रहा। दो महीने तक जन्माष्टमी चलती है, चलो छह दिनों तक तो हम मनाने वाले हैं ही, है ना पक्के। तो पहली है दीन भाव कि प्रभु हो दयालु दीन मैं, तू दानी मैं भिखारी, हो पतित पात की, तू पाप पुंज हारी, हो दयालु दीन मैं। प्रभु आप दयालु हैं और मैं दीन हूं, मेरी आपकी बराबरी नहीं हो सकती। कहां मैं पतित और कहां आप पतितों को पावन बनाने वाले, महाराज मेरी और आपकी बराबरी कैसे हो सकती है। ऐसा जो भाव लेकर के परमात्मा को कोई भी चीज के पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त प्रहुतम अश्नामी प्रयतात्मन। भगवान कहते हैं कि फिर वो कोई भी चीज क्यों ना हो, वो जल पत्र पुष्प फल कुछ भी क्यों ना हो, वो मैं स्वीकार करता हूं। उसका उदाहरण कैसे स्वीकार करते हैं, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी एक बार पहली बार माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण को लेकर के यमुना तट पर पहुंची हैं स्नान करने के लिए। अब माता यमुना में स्नान करने जा रही हैं, तो भगवान श्री कृष्ण को क्या किया, भगवान श्री कृष्ण को नीचे उतार दिया गोदी से। ये पहली बार है जब माता ने अपनी गोदी से पहली बार नीचे भगवान को रखा है, क्योंकि भगवान तो इतने लाडले हैं ब्रज मंडल के कि माता यशोदा अगर गोदी से नीचे उतारती हैं तो दूसरी गोपी भगवान को उठा लेती है, दूसरी से तीसरी, भगवान रात तक गोपियों की गोद में खेलते हैं और रात को जब सोते हैं तो पलना में सोते हैं, नीचे सोते ही नहीं। ये पहली बार हुई कि माता यशोदा ने भगवान को नीचे उतार दिया और मां यशोदा यमुना में स्नान करने चली गई।
अब जैसे ही भगवान श्री कृष्ण अब थोड़े रेंगते हैं, तो भगवान रेंगते रेंगते थोड़ा आगे बढ़े तो जो पृथ्वी है, ये पांच तत्वों में पहला तत्व माना गया पृथ्वी। तो कहते हैं ना, जो भगवान ऐसा कुछ बताते हैं, कहते जोड़ा भगवान वो जोड़ा प्रपंच दे ऊपर जिदी सत्ता होवे, भगवान वो जिसकी वायु के ऊपर सत्ता है, भगवान वो जिसकी वायु के ऊपर सत्ता है, गगन के ऊपर सत्ता है, नल नील नीर पे जिसकी सत्ता है, ये पांच तत्वों पे जिसकी सत्ता है वो भगवान है। तो भगवान ने पृथ्वी के ऊपर अपने श्री चरण पहली बार जब रखे तो पृथ्वी प्रकट हो गई। पृथ्वी प्रकट हो गई, कहती महाराज धन्य हो गई, ये यमुना बड़ी भाग्यवान है कि ये जब आपने जन्म लिया तो जन्म लेते ही आपके चरणों को इसने छू लिया, क्योंकि वसुदेव जी टोकरी में उठा के लेके आए तो यमुना जी जैसे ही बीच में जाने लगे तो यमुना जी के मन में आ गया, कहा कि चरण पहले ही छू लूं, क्योंकि बाद में मौका मिले ना मिले। वो जल बढ़ने लगा, भगवान श्री कृष्ण ने टोकरी में से श्री चरण निकाला और जैसे ही यमुना ने स्पर्श किया पानी जो है वो नीचे उतर गया। महाराज यमुना कितनी भाग्यवान है, जिस दिन आपने जन्म लिया उसी दिन आपके चरणों को छू लिया इसने, लेकिन मैं कितनी अभागी हूं। अरे मेरा भार उतारने के लिए तो आप इस धरती पे अवतार लेते हो, तो जड़ा जिदे करके अवतार लेते हो वो तो बेचारी पीछे रह गई। महाराज मैं पीछे रह गई, आपके श्री चरणों को छू नहीं पाई। भगवान कहते चलो कोई बात नहीं, आगे पीछे होता ही रहता है, क्योंकि श्री कृष्ण अवतार जो हैं, भगवान श्री कृष्ण अवतार के बारे में हमारे साधन दाता भगवान श्री चक्रधर महाराज ने जितनी विशेषताएं इस अवतार के बारे में बताई उतनी विशेषताएं किसी भी अवतार के बारे में नहीं बताई। भगवान श्री कृष्ण अवतार एक ऐसे अवतार हैं कि भगवान के सामने अगर दो पक्ष भी आ जावें, दो पक्ष अलग अलग विचारधारा के लोग आ जाएं, तो श्री कृष्ण अवतार एक ऐसे अवतार हैं जो दोनों को सेटिस्फाइज करते हैं। नहीं तो आप बताओ, जहां दो विचारधारा के लोग इकट्ठे हो जाएं, वहां पे आपको एक तरफ होना पड़ता है कि नहीं? या तो इधर हो जाओ या उधर हो जाओ, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ऐसे हैं जो दोनों तरफ की बातें रख लेते हैं। और कैसे, आपको बताता हूं। भगवान के स्वर्ग और की कहते हैं शादी के बाद घूमने जाते हैं हनीमून मनाने के लिए, भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा के साथ स्वर्ग गए। वहां स्वर्ग में देखा उसने पेड़ पौधे बढ़िया बढ़िया तरह के, सारियां चीजां सब बढ़िया। उसको एक पौधा पसंद आ गया सत्यभामा को। सत्यभामा कहती महाराज ये जो पौधा है ना, ये पौधा मुझे चाहिए। भगवान कहते कोई बात नहीं, ले देते हैं आपको। अब जैसे ही भगवान ने उसको हाथ लगाया, इंद्र सामने आ गया। इंद्र कहता महाराज चलो ये तो नखेद है, पागल है, जीव है, ये नहीं जानती कि यहां के नियम क्या हैं, लेकिन आप तो सर्वज्ञ हैं, आपको तो मालूम है कि यहां के पेड़ पौधे भी कर्म फलों के सुख भोगने के लिए यहां पर आए हुए हैं। महाराज यहां से तो एक पत्ता भी नहीं जा सकता। भगवान कहते अच्छा, अगर नहीं जा सकता तो हम तुझे कहते हैं ये पौधा हम लेके जाएंगे, सत्यभामा की इच्छा पूरी करनी है। इंद्र कहता तो महाराज आपको मेरे साथ युद्ध करना होगा। भगवान कहते चल फिर तैयार हैं।
भगवान ने इंद्र के साथ युद्ध किया और वो वृक्ष जीत करके भगवान पारिजात नाम का वो वृक्ष लेकर के पृथ्वी पर लेकर के आए, सत्यभामा के आंगन में लगा दिया। वो जो फूल है ना, उसका जो फूल है वो फूल सोने के रंग के जैसा है। ऊपर स्वर्ग में जो फूल मिलते हैं वो ऐसे ऐसे नहीं है, वो सोने के फूल है। अब वो वृक्ष लगा दिया सत्यभामा के यहां। रुक्मिणी जो है वो भगवान का पूजा अवसर करने के लिए, तीनों पूजा अवसर करती हैं जैसे भाईसा जी करती हैं, तो सुबह का पूजा अवसर करने के लिए जैसे ही रुक्मिणी जी आई तो आज भगवान ने देखा कि रुक्मिणी जरा ना मायूस जी दिखाई दे रही है, इसका चेहरा उतरा हुआ है। भगवान कहते रुक्मिणी क्या बात हुई? वो कहती महाराज देखो सत्यभामा कितनी भाग्यवान है, मेरे को ईर्ष्या नहीं है लेकिन मैं उसके भाग्य पर इतरा रही हूं कि वो कितनी भाग्यवान है कि महाराज उसके लिए आप स्वर्ग से लड़के इंद्र के साथ लड़के आप पौधा लेकर के आए उसके लिए और उसके आंगन में ये पौधा बढ़ रहा है। भगवान कहते बस, भगवान कहते जा, हम तुम्हें वरदान देते हैं। सत्यभामा को क्या चाहिए? सत्यभामा को चाहिए पौधा। वो कहती रुक्मिणी कहती है महाराज अगर फूल होते तो मैं उन फूलों से आपका पूजा अवसर करती। तो महाराज कहते चिंता मत कर, वो जल दिया करेगी पौधे को, जो फूल गिरेंगे वो तेरे आंगन में गिरा करेंगे। अब रुक्मिणी भी खुश होगी तो सत्यभामा भी खुश हो गई, उसको पौधा बढ़ाने की खुशी मिल गई और इसको फूल चाहिए थे उसको फूल मिल गए। इसलिए श्री कृष्ण अवतार जो है वो दोनों तरह की बात रख लेते हैं। तो भगवान कहते कोई बात नहीं, आगे पीछे होता रहता है, कोई बात नहीं। पृथ्वी कहती है महाराज मैं फिर भी कितनी अभागिन हूं, सारी दुनिया जितना भी ब्रजमंडल है सारा ब्रजमंडल जो है वो आपको कोई ना कोई चीज देता है, कोई भी आता है वो आपके लिए कोई ना कोई चीज लेके आता है, महाराज ये खाओ ये खाओ ये खाओ। प्रभु मैं तो आपको कुछ दे ही नहीं सकती, मेरे पास तो सिवाय मिट्टी के और कुछ है ही नहीं, मैं आपको क्या दूं? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं पृथ्वी तू अभागी नहीं है, अरे ये मिट्टी तू बोल रही है, ये मिट्टी से ही तो सारी चीजें पैदा होती हैं, ये मिट्टी में इतना स्वाद है कि सारे स्वाद तो इसी में ही मिले हुए हैं। भगवान ने मुट्ठी उठाई और अपने मुंह में मिट्टी डालनी शुरू कर दी। ये दीन भाव, दीन भाव से पृथ्वी ने भगवान को प्रार्थना करी और भगवान ने क्या कर लिया, क्या खा लिया, मिट्टी जड़ी किसे ना काम दी। ये है दीन भाव। और दूसरा है ऐश्वर्य भाव। ये समझ करके कि ये ईश्वर हैं और मैं जीव हूं, जीव सेवक और परमेश्वर सेव्य, ऐसा भाव रख करके अगर कोई भी जीव भगवान को कोई भी वस्तु देता है तो भगवान उसकी वस्तु स्वीकार करते हैं। अब कैसे? उदाहरण भगवान श्री कृष्ण जो विदुर है, दुर्योधन के घर में गए भगवान, दुर्योधन ने बुलाया, भगवान दुर्योधन के घर नहीं गए, कहां चले गए? विदुर के घर। विदुर के घर में गए, विदुर के पास दलिया था, उन्हें बेचारे ने दलिया
भगवान की श्री मूर्ति देखे के दलिया बनाए, वो भगवान को देखता देखता दलिया बना रहा है, दलिया बनाते बनाते पानी डल गया ज्यादा। अब वही पानी वाला दलिया लेके आ गया तरी वाला, भगवान को पत्तल दे दी, भगवान को जैसे तैसे बिठाया, उसको ये भी पता नहीं कि कहां पे बिठाऊं, भगवान जैसे तैसे बैठ भी गए, भगवान को आगे कर दिया दलिया, पत्तल आगे करी, दलिया डाल दिया, और दलिया जो है वो बिगड़ रहा है, इधर उधर जा रहा है। महाराज को चतुर्भुज रूप धारण करना पड़ा। महाराज कभी उधर से उठाते हैं तो दूसरी तरफ बहता है, दूसरी तरफ से उठाते हैं तीसरी तरफ से बहता है। उद्धव जी देख रहे हैं, उद्धव जी कहते हैं महाराज ये कैसी विडंबना है, जिसके इशारे से पृथ्वी बनती है, चलती है, बिगड़ भी जाती है, ऐसे भगवान से दलिया नहीं संभलता। भगवान उद्धव को कहते हैं उद्धव अगर ये सामान्य दलिया होता तो इसका क्या बस था, ये आगे पीछे बढ़ जाए, लेकिन ये सामान्य दलिया नहीं है, ये विदुर जी के द्वारा दिया गया दलिया है। क्योंकि विदुर जी ये बात जानते हैं कि ये जो श्री कृष्ण है, ये श्री कृष्ण ईश्वर अवतार हैं, और मैं अगर सारी दुनिया की चीजें भी ले आऊं तो भी इनके आगे न्यून है, मेरे पास जो भी उपस्थित है मैं भगवान के सन्मुख रखूं। भगवान ने वो दलिया स्वीकार कर लिया। भगवान कहते मेरे से ये दलिया नहीं संभलता, क्यों, क्योंकि ये दलिया नहीं, ये विदुर का भाव है। ये हुआ दूसरा भाव, इसको कहते हैं ऐश्वर्य भाव। और तीसरे नंबर पर भाव आता है, उसे कहा जाता है सखा भाव। भगवान को सखा भाव से जो भी वस्तु दी जाए भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं। वो कौन सा है भाई उदाहरण, भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि उनके जैसा परफेक्ट सखा कोई दूसरा नहीं, इसलिए सुदामा की बात आपने बताई, चलो सुदामा देना नहीं चाहता था, वो चावल लेके जरूर गया, लेकिन जब उसने देखा ना भगवान की नगरी, तो नगरी देख के उसके मन में भी आ गया कि ये चावल दूं के ना दूं, ऐवी बेइज्जती ना हो जाए। लेकिन एक भगवान का सखा था जिसका नाम है मधुमंगल, भगवान के बचपन का दोस्त। भगवान ने एक बार जिद कर ली, सारी दुनिया भगवान के लिए टिफिन लेके आती है ग्वालियर, लेकिन बेचारा मधुमंगल कोई टिफिन नहीं लेके आता, सबके टिफिन में से खाना वो खा लेता है। भगवान ने एक दिन बीता, दो दिन बीते, महीना, चार महीने, छह महीने, भगवान कहते बड़ा बेशरम है, लाता ही कुछ नहीं, चक्कर क्या है। भगवान ने आज जिद कर ली, भगवान कहते लो जी मधु मंगल जब तक कुछ नहीं लाएगा तब तक हम आज भोजन ही नहीं करेंगे। पै गया पंगा। अब वो कहने लगा, कहता कि क्या करूं। मधु मंगल कहता है भी मैं तो बड़ा गरीब हूं, भगवान श्री कृष्ण तो इतने अमीर हैं कि भगवान के जो घर में दूध है ना, दूध, वो दूध पतीले में नहीं उबलता, मक्खन जो है वो पतीले में या मटकियों में नहीं रखा हुआ, और जो लस्सी है वो तो अपार ही है। कैसे, आप हिसाब लगाओ कि नंद बाबा के यहां कितनी गायें हैं, 10 लाख गायें हैं, 10 लाख गाय का दूध, बताओ केड़ा पतीला जेड़ा 10 लाख गाय का दूध उबालेगा। वो तो बड़े बड़े कुंड बनाए हुए हैं उन्होंने, बड़े बड़े टैंकर बनाए हुए हैं,
वो कहता कृष्ण भगवान तो इतने बड़े अमीर आदमी के बेटा है, इनके घरों में तो कुंडों के हिसाब से तो दूध नहीं है, तो मैं भगवान नु की दऊं, मैं तो कुछ भी नहीं, साढ़े को तो एक मझ है वह भी टुटी भजी, वह भी दूजे की हुई है, मैं चरांदा ते भगवान मैं की दवा। लेकिन यह जिद्दी बड़ा, जिद कर लेंदा, जेड़ी जिद करता पूरी पगा के ही रहिंदा। अब भगवान को वो कहने लगा, कहता मान जा खा ले कुछ, कहता नहीं आज नहीं खाना, आज तू लाएगा तो खाएंगे। मधु मंगल जाने का बहाना बनाता है घर में, गया घर, मां को कहता मां कोई चीज हो बढ़िया, मक्खन मक्खन है। मां कहती अरे मक्खन हमारा पाइया तो मक्खन था, ओ मैं बेचने गई, पाइया का पाइया बिक गया, बस उतरे कहानी खत्म, उतने ही पैसे हैं हमारे पास, वो रोटी पानी खानी है दोपहर दी, रात दी रोटी बनानी है। वो कहती क्या बात क्या है, कहता आज श्री कृष्ण ने जिद कर ली है कि जब तक तेरे घर की कोई चीज नहीं खाता तब तक कुछ खाना ही नहीं। वो कहती ओहो बड़ा जिद्दी है, क्या करूं। कहती मेरे पास ना चार पांच दिनों की बची हुई लस्सी है, चल मैं की कर दी है कड़ी बना देनी है, कड़ी भगवान नु खिला दी। अब वो अपने मन में दोस्त जो मधु मंगल, वो तो टिफिन देखता रोज दोस्तों के, मां को तो पता नहीं। वो कहता कड़ी बिल्कुल निखिद पदार्थ, जो किसी ने काम की लस्सी बचे उसकी कड़ी बनती है, और वो भगवान को खिलाऊं भगवान का पेट खराब नहीं हो जाएगा। जैसे तैसे मां ने एक डब्बा बना के दे दिया, मन में सोचता है कहता है ये लस्सी ये कड़ी जो है ये मैंने भगवान को नहीं खिलानी, मैं क्या करता हूं, मैं ये लस्सी खुद ही कड़ी मैं खुद ही पी लेता हूं, भगवान को कह दूंगा, भगवान पूछेंगे हाँ भाई क्या लाया, मैं कहूंगा रास्ते में आ रहा था ठुड्डा लगा मैं नीचे गिर गया, जो चीज ला रहा था वो तेरे को खिला नहीं सका। सो उसने क्या किया, वो कड़ी पीने लगा दूर बैठ के। भगवान श्री कृष्ण वो तो सर्वज्ञ हैं, भगवान ने देखा, ग्वालों को कहते हो देखो मधु मंगल धनी, कहते हाँ लगता तो वही है, कहते जाओ पकड़ो उसे। जब तक वो पकड़ते तब तक वो सारी कड़ी पी चुका था, जो बची हुई कड़ी थी डब्बे से लिबड़ी हुई, और डिब्बा खाली डिब्बा लेके आया भगवान के पास, जो उसने कहना था वो कहा कि महाराज ठुड्डा लग गया नीचे गिर गया सारी चीज गिर गई, जो बचा हुआ जूठा उसका लिबड़ा हुआ डिब्बा कड़ी वाला, भगवान अपनी उंगली उसमें डालते हैं और चखते हैं, और चखते हुए कहते हैं अरे मधु मंगल इतना बढ़िया पदार्थ तूने मेरे को नहीं खाने को दिया, जा पगले, अगर ये वस्तु होती अगर ये मिल जाती खाने को तो क्या ही बात होती। तो उस दिन से आज तक भगवान को 56 भोग जब लगते हैं तो 56 भोग एक जगह, लेकिन कड़ी जब तक नहीं रखी जाती तब तक 56 भोग नहीं लगते भगवान को, ये बात है। ये हुआ सखा भाव, अब कितने भाव हो गए, 3 हो गए, रह गए 15 मिनट, ओ अपन 15 मिनट जो कर देने। अब पहला हो गया दीन भाव, दूसरा हो गया ऐश्वर्य भाव, तीसरा हो गया सखा भाव, और चौथा भाव जो है, उस चौथे भाव में भी अगर कोई भक्त भगवान को कोई चीज दे तो भगवान ना नहीं कर सकते, उसे कहते हैं वात्सल्य भाव।
ये वात्सल्य भाव क्या है? वात्सल्य भाव में जीव को यह ज्ञान नहीं है कि ये ईश्वर हैं। वात्सल्य भाव में भगवान को क्या समझता है जीव? कि ये मेरे बेटा हैं, ये मेरे भाई हैं, या ये मेरे सखा हैं। और उस वात्सल्य में ही, उस प्रेम में ही वो भगवान को कहता है, कहता महाराज ये लो 50 आपकी 50 मेरी, आधी रोटी आपकी और आधी रोटी मेरी। वात्सल्य भाव से कोई भी वस्तु अगर भगवान को दी जाती है तो भगवान ना नहीं कर पाते। वो वात्सल्य भाव जो है वो किसके पास है? वो है भगवान श्री कृष्ण उदाहरण। और वात्सल्य भाव किसके पास है? सही वात्सल्य कौन कर सकता है? वो कर सकती है मां। मां वात्सल्य करती है अपने बच्चे को। और मां कौन है? यशोदा। जो यशोदा मैया है, भगवान श्री कृष्ण कहीं भी छिपे हों, जब माता यशोदा भगवान को बुलाती है तो भगवान कान पकड़े हुए भगवान भागते भागते आ जाते हैं माता यशोदा के सामने। वो भगवान जिन्होंने मिट्टी खाने के बहाने माता यशोदा को अनंत ब्रह्मांड दिखा दिए मुंह में, लेकिन ब्रह्मांड दिखाने के बाद भगवान ने माया को आदेश दिया। भगवान ने कहा माया जा इसकी बुद्धि भ्रमित कर दे, ये ना जान पाए कि मैं ब्रह्म हूं। अगर ये जान गई कि मैं भगवान हूं तो इसका वात्सल्य जो है वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। और यही हमारा सब सारे का हाल यही है। साडा भी हाल यही कुछ है। साडा जिहड़ा वात्सल्य है ना वो ऐसे करके खत्म है। क्यों? क्योंकि असी जान गए। मैं उठे जम्मू दे कोल एक मंदिर है, चकरोई मंदिर। चकरोई मंदिर में गया, बड़ी पुरानी गल, 10-12 साल पुरानी गल है। चकरोई मंदिर गया तो उत्थे एक महात्मा जी, बुजुर्ग महात्मा जी सीगे। सारे लोग कहंदे सी, कहंदे क्रैक है गए थोड़े जे। मैं कहा चलो, मैं गया उत्थे, पूजा पाजा कीती। मैं कहा हाँ जी महात्मा जी दंडो जी, क्योंकि देखो वेश नूं तां नमस्कार करनी है। ओ जिद्दां ही उहनूं मैं दंडौत कीती, ओ महात्मा जी शुरू हो गए। ओ की कहंदे? कहंदे देखो जी, कहंदे गल हैगी ऐ वाली कि मैनूं तां दो ही गल्लां आंदियां, तीजी गल नहीं मैनूं आंदी। मैं कहा की आंदा तुहानूं, समझा दो। मैनूं नहीं आंदा। मैं कहा तुसीं समझा दो। ओ कहंदा चक्रधर स्वामी साडे माता पिता, चक्रधर स्वामी साडे माता पिता। बस यही गल। कहना मैनू यही पता भी चक्रधर स्वामी मेरे माता पिता, चक्रधर स्वामी साडे बंधु सखा। वो बाकी ना उन्हों आरती प्रभु मेरे तन मन धन की, कुछ नहीं कुछ नहीं, सिर्फ चक्रधर स्वामी मेरे माता पिता। यही ओदा कीर्तन, यही ओदी आरती, यही ओदा धूप, ते यही ओदी जोत है। ते जदों ओनू यह पता लग गया भी चक्रधर स्वामी मेरे माता पिता, तो होर जानन की गल ही केड़ी रह गई। नागदेव आचार्य खड़कुली च भगवान सिगे। नागदेव आचार्य जी कहंदे महाराज मैनू एक गल का जवाब दियो। भगवान कहंदे पुछो। कहना महाराज जदों मैं पहली बारी सिन्नर आया सी, पहली बारी जो सिन्नर आया तुहाडे दर्शन करन वास्ते, तुहाडे प्रति जिहड़ा मेरा प्रेम सी, प्यार सी, अज 6 मुलाकातां हो गईयां होर। 7वीं मुलाकात दे विच ओ पहले वाला प्रेम दिखाई नहीं दिंदा प्रभु। क्यों?
दसो मैनू। भगवान कहते बेटा ये तेनू पातलेपन हो गया, तेरा जेड़ा प्यार है ना वो साडे लई हुण घट गया, क्योंकि जेड़ी चीज नू बार 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 मिलती रहे तो फिर वो की हो जाती है, फिर वो वैल्यू, जे भगवान फ्रीज मिलन लगते तो फिर वो वैल्यू घट जानी सी। वैल्यू इसे करके आप बैठे हैं, तभी वो गुणगान करने पे हैं, वो मिलता नहीं पाया इसे करके उन्होंने पकड़ना, तो इस करके लगे हैं भी मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो भी ठीक ही है, लगे हैं। तो कहने का भाव यह है भी भगवान अगर मिलते हैं तो वात्सल्य भाव से मिलते हैं, जैसे माँ यशोदा भगवान को आवाज लगाती है, और जिस वात्सल्य से भगवान को वो खिलाती है, वो वात्सल्य जो है वो अगर हमारे भीतर आ जावे, वो भाव अगर हमारे भीतर आ जावे, तो भगवान हमारी किसी भी वस्तु को ना नहीं कह सकते। आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, आपकी जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए, कि नंद बाबा के यहां कितनी गाय है, 10 लाख गाय हैं। 10 लाख गायों में जो 2.5 लाख गाय हैं, जो 2.5 लाख गाय हैं ना, वो स्पेशल भगवान श्री कृष्ण के लिए रखी गई हैं। उनको कपिला गाय कहते हैं। जो कपिला गाय है उसका दूध पीने से बच्चा जो है वो बलवान बनता है, उसका दूध बहुत पोषक होता है। तो आप हिसाब लगाओ भी नन्ना सा बालक भगवान 12 साल तो मात्र रहे वहां, 12 साल की आयु तक भगवान रुके वहां। जब से जन्म हुआ तब से ये संकल्प कर लिया भी 2.5 लाख गाय भगवान की सेवा लई। हुण जम्मिया होया बच्चा कितना को दूध पिएगा, लेकिन फिर भी जो वात्सल्य है, जो वात्सल्य है वो रुकता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे साधन दाता भगवान श्री चक्रधर महाराज को यह बात कहनी पड़ गई कि माते चे स्नेह ते नैसर्गिक, जो माता का वात्सल्य होता है वो सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि वो प्रकृतिक है, अप्रकृतिक नहीं है, वो बनाया गया नहीं है। बाकी के जितने भी वात्सल्य हैं वो सारे स्वार्थ पर हैं। देखा जाए तो माता भी एक जगह स्वार्थी होती है, लेकिन जो माता बच्चे के प्रति प्रेम करती है वो नैसर्गिक है, वो प्रकृतिक है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये अक्षर भाव हैं, ये अक्षर भाव जो हैं ये समाप्त नहीं होते। हुण फिर जो सारी कहानी सुनाती तो फिर आओ फिर मुन्ने किदा ते इस करके ये 4 जो भाव हैं भगवान कहते हैं इनका नाश कभी नहीं होता। और इसीलिए भगवान ने, श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि हे अर्जुन ये त्रिकालावादित सत्य को जान ले कि नमे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का ना तो कभी किसी समय नाश होता है और ना ही उसकी की गई भक्ति का कहीं नाश होता है। अब हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम भगवान को किस तरह से भजना चाहते हैं। हमारे ऊपर ये वो है कि हम भगवान को किस तरह से सामने देखना चाहते हैं, ये हमारे भजनाधिकार के ऊपर है। आज आपको बहुत बहुत बधाई, महात्मा जी को भी बहुत बहुत बधाई, भाई जी को भी बहुत बहुत बधाई। योगा योग ऐसा आया, तबीयत मेरी ठीक नहीं, मैं अगे पिछे होना रहना, लेकिन भगवान जितों जिथे जिदा भी बुलाते हैं पहुँच जाना। महाराज ने योग लिया तो तिकर
वधिया हो गया हुण श्री चक्रधर चरित्रामृत भी बड़ा वधिया हो जावे ते तां भगवान नूं कहीए भी हां जी श्री चक्रधर जयंती वधिया हो गई ते आपको बहुत बहुत बधाई। ईश्वर इसी तरह से हमारी क्रियाओं को स्वीकार करें और इसी तरह से भाई जी महात्मा जी हमें बुलाते रहें और हम इसी तरह से आकर के सत्संग करते रहें। यही सदिच्छा के साथ आप सभी को भगवान श्री चक्रधर स्वामी की जय।